आर के लक्ष्मण और राजनीति। रिस्किन कृष्णा लक्ष्मण, जिन्हें आमतौर पर आर के लक्ष्मण के नाम से जाना जाता है, एक मशहूर भारतीय कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने अपने कार्टूनों के माध्यम से भारतीय राजनीति, समाज और मानवीय स्वभाव को चित्रित किया। उनके कार्टून नैतिक और सामाजिक संदेशों को हास्य के साथ पहुंचाने के लिए मशहूर थे और उन्होंने अपनी कला के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक बदलाव को उजागर किया। आर के लक्ष्मण का जन्म 24 अक्टूबर 1921 को मैंगलोर में हुआ था। उनका कार्टूनिंग करियर 1947 में हिंदुस्तान टाइम्स में शुरू हुआ और वह वहां अपनी छवि को बनाने में सफल रहे। उन्होंने जल्द ही अपनी श्रृंगारिक चित्रकला की ओर ध्यान दिया और वे आपसी संबंधों के रूप में उनके कार्टून के माध्यम से समाज की समस्याओं का चित्रण करने लगे। आर के लक्ष्मण के कार्टून राजनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने भारतीय राजनीति के कई महत्वपूर्ण विषयों को अपने कार्टून के माध्यम से उजागर किया और अक्सर वे राजनेताओं की दोहराव में रंग डालते थे। उनके कार्टून अक्सर लोगों के सोचने का कारण बनते थे और राजनीतिक दलों और नेताओं के दुश्मनों की ओर दिलचस्पी के साथ जाते थे। आर के लक्ष्मण के कार्टून में प्रमुख विषयों में से एक था राजनीतिक दलों की कुरुक्षेत्र में लड़ाइयों का चित्रण। उन्होंने भारतीय राजनीति के बेहद चुनौतीपूर्ण और स्पष्ट संदर्भों को चुनौती के रूप में पेश किया और लोगों को ये सिख। आर के लक्ष्मण और राजनीति के 15 महत्वपूर्ण चरण। एक, प्रारंभिक जीवन। आर के लक्ष्मण का जन्म 1921 में मैसूर में हुआ था और उनका कला क्षमता पहले से ही प्रत्यक्ष था। दो, शिक्षा। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में अपने कला कौशल को विकसित किया। तीन, करियर की शुरुआत। आर लक्ष्मण का करियर 1947 में शुरू हुआ जब वे टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्टूनिस्ट के रूप में काम करने लगे। चार, सामान्य आदमी का निर्माण। उनका प्रसिद्ध निर्माण सामान्य आदमी 1951 में प्रस्तुत हुआ, जो सामान्य भारतीय नागरिक का प्रतीक बन गया जो राजनीति और समाज की दुनिया को देख रहा है। पाँच, सामाजिक टिप्पणी। आर लक्ष्मण ने अपने कार्टूनों के माध्यम से समाज की विभिन्न समस्याओं पर सामाजिक टिप्पणी की, जैसे कि राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और सामान्य आदमी की संघर्षों। छह, राजनीतिक व्यंग्य। उनके कार्टून अक्सर भारतीय राजनीति का व्यंग्य करते थे, जिसमें राजनेता और उनकी दुश्मनाना क्रियाएं हास्य और सूचना के साथ प्रस्तुत की जाती थी। कृपया मेरे चैनल को पसंद करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। यह मुझे साहस और सहयोग प्रदान करता है जारी रखने के लिए अधिक अच्छा काम करने का। आपका समर्थन मेरे लिए महत्वपूर्ण है।